बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप ख़ुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। ये पिछले 8-10 महीने की कहानी है और सुबह के इजलास के बाद बाहर जाके ये कहा गया है प्रेस को कि ये धांधली वाली असेंबली है, जरा इनको बारी बारी इनको इनको ऑर्डर इन द हाउस इनको इनको ऑर्डर इन द हाउस प्लीज जनाबे वाला, इनको बारी बारी खड़ा करके पूछें कि इन्होंने इस्तीफा दिया है कि नहीं, ये आइन की रिक्वायरमेंट। थैंक यू भाई साहब, आप तशरीफ रखें, ख्वाजा साहब तशरीफ रखें प्लीज। नो स्लोगन्स प्लीज, तशरीफ रखें, मेरी बात सुने। ये जो मौलाना साहब ये डी चौक नहीं है, प्लीज तशरीफ रखें जी। जनाब स्पीकर, जो कानून और कायदे की बात की है आपने यार, एक तशरीफ रखें। जी ख्वाजा आसिफ साहब, जी ख्वाजा आसिफ साहब बात कीजिए। जनाब स्पीकर, कानून और कायदा की जो बात आपने कही है, एक मिनट यार। जनाब स्पीकर, कानून और कायदे की जो आपने बात की है, आप जिस चेयर में बैठे हुए हैं आपका जो हर्फ है वो हर्फ आखिर है, लेकिन इन लोगों को भी को थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए कि यहां आके बैठते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि धांधली की असेंबली है। प्लीज खामोश हो, कोई हया करो, खामोश हो जी, प्लीज काइंडली तशरीफ रखें। महीने कंटेनर पे गालियां देते रहे हो, तशरीफ रखें और फिर आके बैठे हुए हो। वो खुदा का खौफ करो, कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। एक दूसरे की शक्लें क्यों देखते हैं, कोई शर्म कर